अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, दिस इज मोहम्मद खान एंड दिस इज शमून। साइक रिएक्शन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग तो अच्छे होंगे गाइस। हम लोग का पूछे, मतलब फ्लू का शिकार है, बीमार थोड़े चल रहे हैं। फ्लू का शिकार है, ऐसा चल रहा है सर में, वेदर ऐसा। बाकी सर्दियों का भी तो एकदम गर्मियाँ आई है ना, एकदम बहुत अभी डाउट है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसी बात रिएक्शन तो देना है। आप लोग इंतजार करते हैं हम लोगों का। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है वॉइस ओवर मंशा पाशा फनी इंटरव्यू। जैसे कि आप लोग, हम तो बहुत जबरदस्त है, मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं वेट कर रहे होते हैं इन लोगों की वीडियो बनाए, काफी कॉमेडी होती है, रिएक्शन दें इसको। तो स्टार्ट करते हैं, आप भी हमारे साथ रिएक्शन चेक देखें। अगर आप हमारा डायरेक्ट रिव्यू सुनना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, नहीं तो हमारे साथ रिएक्शन देखें, इंजॉयमेंट होगी। तो हम लोग बीच में भी कॉमेडी करेंगे जरा। इसमें मेरे समझ नहीं आता शुरू माइक ऐसा, मतलब ये इसकी वॉइस ऐसी जी हाँ बोलता है ना तो कान पे लगती है। मतलब ये बातों बात में तबियत से ले लेती है, ये सच बोलते नहीं है, बुलवा लेते हैं गाड़ी है लोग। नहीं, उसने एक्टर का ऐसा बोला, अहमद अली चेल्सी बंदा बड़ा हो गया, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, बड़े छोटे हो गए। अरे यार क्या है, लेकिन मसला ये भी था कि वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आए, ये बोल रहा था कि छोटे छोटे कपड़े पहन, उसका कहने का अलग था, पर उसने बात घुमा दी। काम खींचे, काम खींचे, शहजाद शेख, आई रियली लाइक समी, जिब्रान, आई थिंक हां दीज आर बॉयज आई रियली लाइक, जुनैद आल्सो आई गेट काफी सीरियस है। एक चीज कॉमन है, ये सारे शरीफ लड़के जिनसे दोस्त नहीं है, जिसको मुझे बिल्कुल पसंद है। जब मुझे लाइक तो बोला तुमने सारे शरीफ लड़के पसंद है, तब ये से लेते हैं। बच्चों, हम खेलते हैं ट्रू और फॉल्स, क्योंकि मुझे पता है कि आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। आप एक नंबर की मुंह फट बदतमीज औरत है। टाइपो, सॉरी, टाइपो। ओके, मेरा सेट पे आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ। फॉल्स, मुझे और फंक्शन पे हमेशा अच्छी सीट इसलिए मिलती है क्योंकि मैं सुल्ताना के साथ बहुत टाइट हूँ। अच्छा खान और उषा के बाद The most easiest person to work with का खिताब मुझे मिलना चाहिए। Instagram पे millions of followers इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कम कपड़े पहन के फोटो नहीं खींच पाती। Maybe true, maybe false, I don't know. ये झूठ, ये झूठ है। ये इसको आपको बोलना चाहिए था कि भाई हाँ मैं नहीं पहन सकती, यानी कि ये सच है कि अगर ये छोटे कपड़े पहन के बोला, उसने ये बोला maybe true, maybe false। ज्यादा नहीं, उसमें सवाल ही ये किया था कि भाई जो है वो ज्यादा इसलिए फॉलोअर्स नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहन के आती हैं, इसीलिए नहीं आप नहीं पहनती इसलिए आपको ज्यादा फॉलोअर नहीं। दोस्तों बोला हाँ, मे बी ट्रू, मे बी राइट, मतलब हाँ, ये भी यही है ना, फॉल्स भी बोल रही है, सही बोल रहा है ना। नहीं, कि अगर तुम कपड़े छोटे कपड़े पहने शुरू कर दोगे फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे। हाँ, उसने बोला मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स, ऐसा हो नहीं, घुमा के बोला उसने, लेकिन उसने भी घुमा ही दिया है। आइटम नंबर कभी नहीं करूंगी, आइटम नंबर
छोटी छोटी बोल ये बताना चाहिए कौन सी क्लास थी क्लास वन बोला बात इतनी बहुत अलग ही अभी भाई चल रही थी, 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 थी बात यार आप जो है वो सोशल मीडिया में मत देना हाँ लेकिन ये कि अंडरग्राउंड लेकिन ये कि फिर भी इसने बहुत ज्यादा ही कम बोला है मतलब इसके हिसाब से भाई उसने भाई उसने क्या कहते हैं वजाहत रऊफ ने जिस तरीके से बात करी ना उसको बहुत घुमाने वाली सर्किल के हिसाब से ना बात करी थी उसने इसलिए एंड में ये बोल सही कंफ्यूज हो गई लड़की कमेंट मंशा के लिए पूरे कमेंट मत करिए लेकिन अमित ऐसी जो होता है तबियत से ली जाती है क्योंकि वो इसकी ले रहा है पब्लिक इसके लिए लेने पड़ती क्या करें यार उसका वो चैनल ही ऐसा है कि पहली बैंड बजाएगा खैर तो मेरे ख्याल से एक्टिंग भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी बिलाल कबूतर ने फिल्म रिलीज होने वाली है गाइस मतलब काफी एफर्ट है काफी एफर्ट लग रही है और इसमें सही बोला है कि मतलब चर्सी अहमद अली चर्सी उस फिल्म में मांगे लगता है ऐसे ही है मतलब इसलिए उन्होंने ठोक दिया कमेंट किया चर्सी लगा खैर मेरा पहला क्रश थी जबरदस्त वन ग्लास पे थोड़ी 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 मुझे यार तो कैसे करते थे कॉमेडी और वैसे भी पहला क्रश ज्यादातर लड़कों का या लड़कियों का स्कूल में ही होता तेरा कौन सा था
यार मेरा तो स्कूल में ही था। मेरा भी स्कूल में, तो यार सबका स्कूल में ही होता है, ऐसा क्यों होता है यार? सब में स्कूल में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है, और जहां तक कॉलेजेस की बात आई टीचर का भी अपने अपने सोच की बात है। हमें तो खैर बहुत अच्छा लगा इसका इंटरव्यू, हम तो वाकई वेट कर रहे थे कि इंटरव्यू में कॉमेडी हो। तो जैसे कि इन्होंने एंड में कहा कि आप हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब, और इसको भी लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक करिएगा, और कोई बुरे कमेंट मत करिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है। तो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं और अच्छी वीडियो के साथ और कॉमेडी भरी वीडियो के साथ, और कमेंट में आप लोग हमें बताते रहें कि कौन कौन सी वीडियो पे हम रिएक्ट करें। तो अल्लाह हाफिज़।